2024 पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती में भारत की स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट के बाहर हो जाने से देश भर में सन्नाटे का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम खेल प्रेमी जिनको ये उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक जीत करके विनेश फोगाट आएंगी, उनके लिए एक बड़ी दुखद खबर आई है और वो ये है कि विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला खेलने से पहले अयोग्य घोषित कर दी गई है। जी हाँ, उनके 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुछ मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के चलते विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला खेलने से यहाँ पर वंचित रह गई है। भारत की झोली में एक और जो मेडल आ सकता था वहां पर अब कुछ नहीं, निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है और इससे पूरे खेल जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक सन्नाटे का, नाराजगी का माहौल है कि आखिरकार किस तरीके से विनेश फोगाट ने जो प्रदर्शन किया क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में, जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल की यहाँ पर जो प्रतिभा है उसको बाहर लेकर के आई। बड़े यहाँ पर आरोपों के बाद विनेश फोगाट ओलंपिक में पहुंची थी और उसके बाद प्रदर्शन करना वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित हो जाना कहीं ना कहीं इस ओलंपिक में भारत के लिए भी आज एक काले दिन की तरह प्रतीत हो रहा है। पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, एक और ऐसा मेडल आ रहा था जिसकी विनेश फोगाट से सभी ये कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे थे कि भारत की झोली में ओलंपिक में एक और मेडल डलने वाला है, किस तरीके से देखते हैं कुछ 100 ग्राम वजन अधिक होना उनके शरीर में और खेल स्पर्धा से ठीक पहले इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन, क्या ये भारत की एक जो है कहीं ना कहीं कूटनीतिक हार नहीं दिखाता है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल पहली बात तो बहुत दुख है, सदमा है कि भाई लगभग पूरा देश इस उम्मीद में था कि सिल्वर तो हम कन्फर्म मान ही रहे थे, लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि विनेश फोगाट जिस तरह से कुश्ती लड़ रही है ऐसा लग रहा है कि वो बीते दिनों जिस तरह से तमाम कह सकते हैं कि आंदोलनों में नजर आए, तमाम तरह के जो कह सकते हैं संघर्ष में नजर आई, उस सबको कहने का अपने अंदर समेटे हुए थी और जो कुश्ती के मैदान में उन्होंने दिखाया दिनेश जी, वो कम से कम यही बता रहा था कि वो सब गुस्सा या वो सब जो जज्बा उनका था वो बाहर निकालना चाहती हैं। और देखिए तीनों मुकाबले जिस तरह से उन्होंने जीते वो अपने आप में यादगार है। देखिए ओलंपिक के तमाम लोगों ने कमेंट्री कर रहे लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने इतनी कह सकते हैं शिद्दत के साथ में किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, इतनी कह सकते हैं कि जो ताकत होती है अंदर किस तरह से उसको समेट कर कह सकते हैं अपने मुकाबले जीते जाते हैं, बिल्कुल दिनेश जी। और विनेश फोगाट ने वो करके दिखाया। चलिए पॉलिटिकल बातों को हम साइड रखते हैं, लेकिन जिस तरह का जज्बा विनेश फोगाट ने उस कह सकते हैं कि मैदान पर दिखाया वो अपने आप में लाजवाब है। विरोधी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी हैरानी और दुखद वाली ये खबर है कि वो ठीक मुकाबले से पहले, आज फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर जाती हैं। देखिए हर एक भारतीय को ये सुनकर सदमा जरूर लगा है कि जो गोल्ड मेडल की उम्मीद हम लोग कर रहे थे दिनेश जी, कि जिस तरह से उन्होंने दोनों तीनों मुकाबले जीते हैं उससे कम से कम गोल्ड की उम्मीद हर एक भारतीय करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो तकनीकी पहलू है कुछ एक ग्राम, जो आपने सही कहा कुछ एक ग्राम यानी 100 ग्राम के आसपास की बात आ रही है, वो वजन ज्यादा होने की वजह से कहा गया कि भाई आप ये मैच नहीं लड़ सकते। भारत हालांकि विरोध दर्ज करा रहा है, ओलंपिक संघ ने भी खेद जताया है, लेकिन देखिए खेद जताने से आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, ये बहुत तगड़ा झटका है भारतीयों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि WFI को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसको सोचना चाहिए कि आखिर भारत के साथ में जो गोल्ड मेडल मिलने वाला था आखिर उसके छूचे हाथ क्यों लौटना वापस पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि विनेश आप चैंपियंस के चैंपियन हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन अमन जी पिछले दिनों विनेश फोगाट की चर्चा इसलिए अधिक है क्योंकि जो महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप हुआ उसके बाद ट्रायल्स में कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई, खेलने गई, मैदान में उतरी, इस तरीके का प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्या ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके सामने अपना विरोध दर्ज नहीं करवाना चाहिए क्या? इस तरीके का कोई दबाव बनाया जा सकता है क्या? कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को कोई और अंतिम मौका मिलता हो? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इस तरह का झटका लगना एन वक्त पे लगना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि जो अधिकारी और जो कह सकते हैं कोच हैं पूरा स्टाफ से जो कह सकते हैं साथ में उनके, क्या वो सब आंखें मूंदे हुए थे, उनको पता नहीं था कि अगर जो नियमों के अनुसार अगर 10 ग्राम वजन भी ज्यादा होता है 50 ग्राम वजन भी ज्यादा होता है तो उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो ये सब लोग वहां पर क्या कर रहे थे, अब इसके ऊपर जरूर सवाल उठेंगे। और साथ में देखिए अगर ये मुकाबला खेलकर अगर वो हारती दिनेश जी तो हम एक बार संतुष्ट हो जाते कि चलिए मुकाबला लड़ा सिल्वर मेडल मिला संतुष्ट है, लेकिन यहां तो कोई मेडल मिला ही नहीं,
जबकि वो फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल पहुंचने के बाद भी अगर इस तरह से उनको खाली हाथ वापस आना पड़े तो वाकई ये हमारी बहुत बड़ी हार है, सिस्टम की हार है कि वो सिस्टम आखिर क्या कर रहा था वहां पर, क्यों मुंह ताक रहा था, क्यों उसको पता नहीं था कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर देश भर के लिए तो एक खेदजनक विषय है ही, लेकिन इससे बड़ा है झटका विनेश फोगाट के परिवार को लगा है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर सिंह फोगाट, जिन्होंने अपनी बेटियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने के लिए जमीनी स्तर से तैयारियां शुरू करी और जिस तरीके से देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारत का नाम रोशन करने वाली ये बेटियां जिस तरीके से कुश्ती में अपना लोहा मनवाती नजर आई, अमन जी क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट जो है पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्रों का भी शिकार हुई है, और क्या इसके चलते भी कहीं ना कहीं कोई आशंका नजर आती है कि इस तरीके की जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सत्तारूढ़ पार्टियों पर कहीं ना कहीं निशाना ना बन जाए। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अभी बहुत सारी जांच होना बाकी है, तमाम सारे कह सकते हैं इसके ऊपर तथ्य निकल के आना बाकी है, क्योंकि देखिए अचानक से पूरे का पूरा मामला सामने आया है, अचानक से ये बात सामने आई, इसलिए कोई भी भारतीय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पॉलिटिकल एंगल की बात करें, देखिए जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ में क्या कुछ नहीं किया गया दिनेश जी, यही दिल्ली है, इसी दिल्ली के अंदर बर्बरता के साथ में की गई वो कोई भूलेगा नहीं, और देखिए कल से ही ये तमाम सारी बातें सामने आ रही है कि इन सबको पीछे छोड़ते हुए, देखिए दिनेश जी इनको पीछे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये विनेश फोगाट ही है कि तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अपने खेल पर फोकस किया, और देखिए हराया भी किसको, जो 4 बार की चैंपियन है और जो मौजूदा चैंपियन, इन दोनों मुकाबलों को देखा जाए तो किस तरह का खेल उन्होंने किया कि हर कोई उनका प्रशंसक होता हुआ नजर आया, लेकिन हैरानी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या कोई पॉलिटिकल कहीं इसमें कोई जो साजिश की भू तो नहीं आ रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो साजिशन कह सकते हैं एक तरीके से विनेश फोगाट के साथ में कुछ किया गया हो, तो अभी बहुत सारी जो कह सकते हैं जांच होना बाकी है, तमाम तथ्य आना बाकी है, लेकिन दिनेश जी ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत दुख का विषय है पूरे भारत के लिए कि जहाँ पर भारत बहुत पिछड़ता हुआ नजर आया, अगर मेडल की बात करें 2-3 हमारे पास मेडल आए हैं, ऐसे में एक गोल्ड जीतने का जो चांस था हम लोगों ने सिर्फ गोल्ड गवाया बल्कि एक मौका गवा दिया, और साथ में कहीं ना कहीं एक दर्द ऐसा लेकर हम जो कह सकते हैं इस बात को लेकर चल रहे हैं कि क्या हमारा जो सिस्टम था वो पूरी तरह से फेल्योर है, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, विनेश फोगाट के वेट पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। ये ओलंपिक है देखिए दिनेश जी, ये नेशनल लेवल पर अगर कोई मैच होता उसके बारे में भी हम कहते, लेकिन ओलंपिक के लिए क्या ये तैयारी थी हमारी, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है क्या वो ये तैयारी करवा रहा था, तो ऐसे में कई तरह के सवाल दिनेश जी उठ रहे हैं, और साथ में ये बात भी उठ रही है कि क्या कोई साजिश विनेश फोगाट को हराने के लिए हुई है, हटाने के लिए हुई है, या उनको मुकाबले में अयोग्य कराने के लिए हुई है, कई तरह के सवाल, लेकिन फिलहाल अभी जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जांच के बाद हो सकता है कोई बड़ी खबर हम तक जरूर पहुंचे। जांच के बाद बड़ी खबर यहां पर हम आपको एसपीएन 9 न्यूज के माध्यम से भी देने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का फेलियर, क्या सिस्टम का फेलियर जिसके चलते भारत परचम लहराने से चूक गया, भारत को कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपमान का जो है सामना करना पड़ा है, क्या भारत कूटनीतिक रूप से वैश्विक स्तर पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी है, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो कोशिशें की गई है उसके बावजूद भी क्या सिस्टम में बैठे हुए लोग ही तमाम ये साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम षड्यंत्र बनाते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पर ये उंगलियां उस वक्त ज्यादा उठ जाती है जब विनेश फोगाट ने लगातार जो है इस ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक के सफर को तय करने के लिए अपना रास्ता साफ किया था। बड़ा झटका उस स्पोर्ट्समैन के दिल पर लगता है जब वो अपने सपने को साकार होने से पहले ही किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और इस तरीके से उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। फिलहाल अमन जी आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनेश फोगाट और ओलंपिक से जुड़ी हुई तमाम जो भी अपडेट्स आएंगी एसपीएन 9 न्यूज पर सबसे पहले हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए इस खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।